पिछले कुछ वर्षों से इकरा कोचिंग टीम शिक्षा के क्षेत्र में समाज की उन्नति और उत्थान के लिए काम कर रही है। इसी क्रम में कोचिंग के चार विद्यार्थियों में से चारों ने मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में सफलता हासिल की है, तथा फरवरी माह 2023 से कोचिंग में शून्य अनुपस्थिति का अभियान चल रहा है, ताकि विद्यार्थी कम से कम अनुपस्थित रहें, जहाँ पे विद्यार्थियों ने भी उम्दा प्रदर्शन किया है। विद्यार्थियों को मेडल तथा उपहार देकर प्रोत्साहित करने के साथ ही प्रथम श्रेणी में सफल होने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा अन्य बच्चों को शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करने के मकसद से कंचनडी में एक कार्यक्रम आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अब्दुल करीम अंसारी एवं स्कूल ऑफ नेशनल हार्ट के डायरेक्टर मुख्तार सर उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम का संचालन अतिका और अरफा ने किया। मौके पर कोचिंग के डायरेक्टर अतहर आलम, टीचर महफूज सर, कलाम, तानिया, मंतसा, रेशमा, नाजिया, रोशन, आलिया के अलावा कोचिंग में पढ़ाई करने वाले बच्चों के अलावा मोहम्मद सईद मोमिन, कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद कासिम, जिला महासचिव मोहम्मद शमीम, मोहम्मद इश्तियाक, शम्स तबरेज, मोहम्मद सलाउद्दीन कुरैशी, अख्तर कादरी जैसे तमाम गणमान्य शख्सियत उपस्थित रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। विदाई होते रहना चाहिए, बहुत बड़ा काम किए ये लोग, चलिए ये लोग जाना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। होने वाले लोगों के साथ होना चाहिए। तो मैं आपको यह हुक्मनामा सुनवा रहा हूं कि आप क्या मेहनत करेंगे। बोलिए सब लोगों के सामने आपका सर बुलंद हो, आप किसी से घबराए नहीं, किसी से अच्छे नंबर से पास किया। हमारी उनको शुभकामनाएं दुआएं हैं कि आप आने वाले इंटर के एग्जाम में 90% के ऊपर, 90% के ऊपर आप लाएं और हम लोग फिर आए आपको सम्मान करने के लिए। यही मेरी दुआएं हैं। आप अगर अच्छा करती हैं तो आप कई जनरेशन का कर सकते हैं। लेकिन एक बात और आपको करना चाहते हैं, आप मैट्रिक पास किए अभी चालू कॉलेज में आप जाएंगे, हो सकता है और दूर जाना पड़े आपको तालीम हासिल करने के लिए। तो याद रखिएगा, एक जहन में एक हमेशा बात याद रखिएगा कि आपको हमेशा आगे चलते देखना, आगे चलते रहना, आगे की तरफ देखना, पीछे नहीं देखना। बहुत सारे मामले आएंगे, आप बच्चियां हैं, आप जब जाएंगे तो बहुत सारे मामले आएंगे, लेकिन आपको पीछे नहीं देखना कौन मेरे पीछे लगा हुआ कौन। आपको सीधे अपना लक्ष्य की तरफ जाना। वो जानवर है एक हिरन, दंते हिरन को आप चारों को बोल रहे हैं। तो पूरे जिंदगी आपको पछताना होगा। और मैं खास करके उन बच्चों से कहूंगा जो टॉपर हुई है इस कोचिंग का, अच्छे नंबर आए लाई है इस कोचिंग में, तो मैं उन बच्चों से कहूंगा कि आगे हमारे करीम साहब ने सारा दिशा आपको दिखाया है। लेकिन मैं उसी बीच से एक बात कहूंगा कि खासकर हमारे मुस्लिम बच्चियों को दिशाहीन करने के लिए, तालीम से दूर रखने के लिए तरह तरह की साजिशें हुकूमत की तरफ से चली जा रही है। इस पर भी आपको पूरी निगाह रखना होगा। मिसलन जैसे आप देख लीजिए, एक बच्ची को हिजाब के नाम पर इतना डिस्टर्ब किया गया कि कॉलेज से ऐसा महसूस हो रहा था कि आज उसका कॉलेज आखिरी दिन होगा। लेकिन उस बच्ची ने अपने साहस का परिचय दिया और उसका जवाब इस कदर दिया उस पूरे राज को कि पूरे राज में टॉप आई और
यही जवाब हर बच्ची को बनने की कोशिश करना है। सबसे पहले हमारे जो पीछे उससे पीछे जो उससे नीचे जो बच्चे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि आप लोग उनसे प्रेरणा लीजिए, जो आज 85% लाया है, उसकी आगे आपको जाना है, तो उसके लिए मैं आप लोग को एक टिप्स दूंगा कि थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बनाइए। आप लोग मोबाइल के कब्जे में आप मत जाइए, मोबाइल को अपने कब्जे में लीजिए। मोबाइल जब आप चलाना चाहिए तब चलाइए, ये नहीं कि अभी के बच्चे के देखिएगा मोबाइल दे दीजिए हाथ में, दे दिए मतलब मोबाइल लेने के लिए घर में कोहराम मचा देता है। हम लोग भी उससे दूर नहीं है, हम लोग भी जान रहे हैं, ये समस्या हम लोग के घरों में भी है। लेकिन बच्चों, खास करके मैं आप लोगों को कहूंगा कि मोबाइल से दूर रहिए। मोबाइल सिम बहुत बहुत जरूरत पड़े तो उसका एक टाइमिंग बनाइए कि हाँ पापा मम्मी हम 10 मिनट चलाएंगे, हम 15 मिनट चलाएंगे, लेकिन 24 घंटा मोबाइल को हाथ में मत रखिए। ये आपको दिशाहीन कर देगा और इससे बचिएगा, तभी आप आगे कामयाबी की सीढ़ी चढ़ सकिएगा। शुक्रिया। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं बच्चियों को वो बात कहूंगा कि तूफानों से हाथ मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से हाथ मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मलहाओ की चक्कर छोड़ो, तैरते नदिया पार। जो इस कामयाबी को जो है आगे पहुंचा रहे हैं, जो कलाम महफूज और तानिया, इनके लिए जो है बहुत बहुत जो है इन लोग का शुक्रिया, जो इसको जो है कामयाबी की तरफ ले जा रहे हैं। और आप लोगों से गुजारिश है, इसी तरह आप लोग पढ़ाई करिए और आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए। और जिस तरह आज आपकी चार बहनें जो 10th क्लास में जो है आज फर्स्ट डिवीजन लाई हैं, आप लोग भी इसी तरह इन लोग से बेहतर करने का, मैंने अपने अंदर ये जज्बा पैदा कीजिए कि हम खुद बेहतर करें, ठीक है, और एक दूसरे को कंपटीशन देने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ये आप लोगों का सबसे अच्छा रहेगा। जब तक आप लोग कंपटीशन नहीं, अपने अंदर ये भावना नहीं पैदा कीजिएगा कि कंपटीशन लाएं, तब तक जो है और बेहतर नहीं हो पाएगा। बीत चुका है और 25 बच्चे ऐसे हैं जो एक दिन भी एब्सेंट नहीं किए हैं, तो मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कंटिन्यूटी को बनाए रखें और नेक्स्ट मंथ फिर हम लोग प्रोग्राम करेंगे, तो ये लंबा लिस्ट होना चाहिए। इस बार बहुत दुख का बात है कि सबसे कम 4 बच्चे हुए हैं और जून महीना में हमको उम्मीद है कि आप लोग 25 बच्चे होंगे जिनको हम लोग गिफ्ट और मेडल देंगे। तो सारे बच्चे से गुजारिश है कि आप लोग ये कंटिन्यूटी को बनाए रखें और नेक्स्ट मंथ अच्छा हो, मेरा भविष्य अच्छा हो, तो आप तालीम के मामले में अपने आप को वक्त कर दीजिए, भिजा दीजिए, है ना, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। सही करदन कार्य मन अस समरा दादन दरदस्ते खुदास, आप कोशिश कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाएगा। आप दिल से कोशिश कीजिए, पढ़ाई में तालीम में बहुत ज़रूरी चीज़ है और अभी इस दौर के लिए तो और भी अहम हो गया है। ऐसे तो हर दौर के लिए तालीम ज़रूरी था, अभी भी है और अभी और ज़रूरी है, इसलिए आप लोग जो है खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदों से खुद पूछे बता तेरी रज़ा, खुदा बंदों से खुद पूछे बता तेरी रज़ा का। दीनी तालीम दुनियावी तालीम दोनों तालीम हासिल करना है, अब तालीम के साथ तरबियत हासिल करना है, तौर तरीका भी अपना सही रखना है। ये नहीं कि हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो हम अंग्रेज बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा तौर तरीका भी सही होना चाहिए। जिस तरह बहुत खुशनसीब है हमारी बच्चियां जो आज बहुत अच्छे मेहनत के साथ जो है पास की हैं और अच्छा मतलब परसेंटेज लाई है, और दुआ करते हैं उसके लिए कि इंटर में भी और इसके बाद भी जहाँ कहीं भी वो पढ़े अच्छे दर्जे से पास करें। और इसके साथ साथ हम कमी महसूस कर रहे हैं कि हमारे बच्चे उतना मेहनत नहीं कर रहे हैं जितनी बच्चियां कर रहे हैं, है ना, हमारे कौम के जो बच्चे हैं वो उतना मेहनत नहीं कर रहे हैं जितना बच्चियां कर रही हैं, तो वो ये बच्चे जो है उन बच्चियों से इबरत हासिल करें, उससे सीख लें, उससे सबक लें। और आप जो है देखिए, आपको जो है अल्लाह ताला अफजल बनाया, आप उससे अच्छा नंबर से पास कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए,
इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को इल्म में अमल में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। खान साहब के कोशिश से यह प्रोग्राम किया गया, यह प्रोग्राम काबिल तारीफ है और इससे समाज में हौसला अफजाई फैलेगी और शिक्षा में तालीम में इजाफा होगा। शुक्रिया सर। इतना कोचिंग सेंटर चंडी में अतार साहब के द्वारा एक सम्मान समारोह रखा गया था, जो यहाँ की बच्चियाँ जो हैं, चार बच्चियाँ टेंथ में बहुत अच्छे मार्क्स से फर्स्ट डिवीजन की थी, इनके सम्मान में एक आयोजन था जिनको गिफ्ट देकर के सम्मानित किया गया और आगे तालीम हासिल करने की प्रेरणा दी गई। क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि मुस्लिम परिवार में लड़कियों का पढ़ने का चलन बहुत कम है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि चलन बढ़ा है और हम चाहेंगे कि सब लोग अपनी बच्चियों को तालीम हासिल कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइए, क्योंकि आने वाले जनरेशन उन्हीं के हाथ में है, आने वाली नस्लों को वो संवारेगी। जब तक तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे आने वाली नस्लें हमारी नहीं छोड़ेंगी। नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नौजवानों को हम मैसेज देना चाहेंगे कि जो हालात आज बन रहे हैं, आपको हर हाल में तालीम हासिल करना होगा, सिस्टम का हिस्सा बनना होगा। अगर आज के हालात में आप सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते हैं तो आप अपने कौम की, अपने घरों की, अपने समाज की भलाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए तालीम को हासिल कीजिए और बेहतर तालीम हासिल कीजिए। क्या नाम है आपका? अब्दुल करीम अंसारी, उपाध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग। धन्यवाद।